Damaşk. नमस्कार। अरुणाचल समाचार के विशेष चुनाव बुलेटिन जनादेश 2019 में आपका स्वागत है। मैं हूं नवमाशा। जाहिर है आप सभी की निगाहें देश भर के लोकसभा चुनावों परिणामों में होगी। वहीं अरुणाचल की दो लोकसभा सीटों के साथ साथ 57 विधानसभा सीटों के लिए 11 अप्रैल को वोट डाले गए थे, जिसके परिणाम कुछ ही घंटों में आपके सामने होंगे। आज दिन भर हम आपको इस चैनल पर विशेष समाचार बुलेटिन प्रसारित करने के साथ साथ अपने स्टूडियो में अंतिम चुनाव परिणामों पर शाम 5 बजे से 6 बजे तक विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे। लोकसभा की 543 सीटों में से 542 सीटों पर हुए मतदान के बाद आज मतगणना के अब तक प्राप्त रुझानों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अमेठी सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ भाजपा की स्मृति ईरानी उन्हें कड़ी टक्कर दे रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और आरएलडी के गठबंधन का फॉर्मूला पूरी तरह फेल होता दिखाई दे रहा है। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन पूरी तरह साफ होता दिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश की दोनों लोकसभा सीटों पर भाजपा लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव के 57 सीटों की मतगणना में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए हैं। अभी तक प्राप्त 16 रुझानों में भाजपा 13, जनता दल यूनाइटेड 1 और 2 निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। आइए हम अपने संवाददाता संजय प्रताप सिंह से ताजा जानकारी लेते हैं। संजय, आप बताइए कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बनने के बाद भाजपा ने अपनी पूरी ताकत पूर्वोत्तर राज्यों की ज्यादातर लोकसभा सीटों को जीतने में लगा दिया था, क्या हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार इसमें कामयाब दिखाई पड़ रही है? नामम, जैसा कि आप सुबह से खुद भी ये ट्रेंड देख रही हैं कि बीजेपी और उसके जो भी सहयोगी दल हैं एनडीए के, उन सब ज्यादातर राज्यों में उनके उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं और ये आंकड़ा 300 से ज़्यादा आगे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो पूर्वोत्तर भारत में भी नज़र आता है और जाहिर सी बात है अरुणाचल प्रदेश में भी दिखाई पड़ रहा है। यहाँ दो सीटें लोकसभा की ज़रूर हैं, लेकिन वो कई मायने में महत्वपूर्ण हैं। एक तो सीमावर्ती राज्य होने के कारण अरुणाचल हमेशा सरकार के और केंद्र के ध्यान में रहता है। दूसरा, यहाँ से निवर्तमान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और पूर्वोत्तर का एक बड़ा फेस किरण रिजिजू भी उम्मीदवार हैं और वो लगभग निर्णायक बढ़त बनाए हुए हैं। अभी तक की जो ताज़ा खबर है कि वो करीब करीब 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो दूसरी लोकसभा सीट है, वहाँ जो स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट हैं तापिर गांव, वो न सिर्फ 20,000 वोटों के आसपास बढ़त बनाए हुए हैं, बल्कि उनकी बढ़त इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अरुणाचल वेस्ट सीट पिछली बार भी श्री रिजिजू ने जीती थी, लेकिन पिछली बार अरुणाचल ईस्ट सीट पर कांग्रेस का कब्जा था और कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता निनोंग ईरिंग उस सीट को रिप्रेजेंट करते थे, हालांकि वो इस बार सिर्फ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोनों लोकसभा सीट उसके खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही है और सिर्फ बीजेपी की लोकसभा सीटों का असर जाहिर तौर पर राज्य की विधानसभा सीटों पर भी मूड लगभग ऐसा ही दिखाई पड़ने वाला है, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि अरुणाचल वेस्ट जो देश की एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके करीब 33 विधानसभा सीटें जो हैं वो अरुणाचल वेस्ट में आती हैं और 27 विधानसभा सीटें जो हैं वो अरुणाचल ईस्ट में कवर होती हैं। तो अगर लोकसभा चुनाव में पार्टी कैंडिडेट भारी निर्णायक बढ़त बनाए हुए हैं तो वोटर का मूड आप समझ सकती हैं कि वो विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो अभी तक के रुझान आ रहे हैं उसमें अरुणाचल वेस्ट की जो विधानसभा सीटें हैं करीब दर्जन भर सीटों के रुझान हमें मिल गए हैं और उनमें बीजेपी उम्मीदवारों ने बढ़त दिखानी शुरू की है। हालांकि राजधानी ईटानगर शायद अपवाद हो सकता है क्योंकि यहां पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार और जो निवर्तमान विधायक हैं तेची कासो वो आगे बढ़ रहे हैं। आपने ये पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पूर्वोत्तर में प्रयास किए और खास
खासकर जो गठबंधन महागठबंधन बनने के बाद जो एक तरह से ध्यान पूर्वोत्तर भारत में दिया, क्या उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला है? तो निश्चित रूप से मिला है। लेकिन सिर्फ महागठबंधन बनने के बाद प्रधानमंत्री ने और उनकी सरकार ने ध्यान दिया इसलिए मिला है, ऐसा नहीं है। पिछले 4-5 सालों का अगर आप इतिहास देखें तो प्रधानमंत्री ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी जब लागू की थी तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी लागू करने के साथ ही ये कहा था कि पूर्वोत्तर जो है वो हमारे लिए एक द्वार है और वो गेटवे है साउथ ईस्ट एशिया से व्यापार का भी, डेवलपमेंट के लिए भी। साउथ ईस्ट एशिया के साथ जब व्यापार होंगे, विकास होगा, तो इस क्षेत्र का विकास बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका असर देश की बाकी राज्यों की अर्थव्यवस्था पर भी भविष्य में पड़ेगा। अरुणाचल के अगर रेफरेंस में कहें तो यहाँ पे मतदाताओं से जब चुनाव के दौरान हम लोग मिल रहे थे तो बार बार ये कहा जाता था कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने शायद इतनी यात्राएं की पूर्वोत्तर भारत की, और उसमें भी अरुणाचल की 4 बार यात्राएं हुई। प्रधानमंत्री की यात्राएं राजनीतिक भले रही हों लेकिन हर बार उन यात्राओं में कोई ना कोई विकास का पहलू जुड़ा रहा। जैसे अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है सालों से, अभी भी है, क्योंकि आप देखिए चुनाव में 500 से ज़्यादा जो चुनाव की टीमें थीं वो फुट मार्च करके चुनाव कराने के लिए गई हैं। ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है निर्वाचन आयोग का, लेकिन फुट मार्च करके जाना ये बताता है कि अभी भी बहुत दुर्गम इलाके अरुणाचल प्रदेश में हैं जो कि चीन की सीमा से, म्यांमार की सीमा से और तमाम राज्यों की सीमा से लगा हुआ प्रदेश है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इस तरह की चुनौतियाँ हैं, लेकिन कई बड़े प्रोजेक्ट यहाँ शुरू हुए या कई बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम तेज़ी से हुआ है। जैसे अगर अरुणाचल में कई ब्रिजेस हैं जो बहुत दिनों से लंबित थे, उनका काम पूरा हुआ है। ट्रांस अरुणाचल हाईवे पर काम चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में एक मेडिकल कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बना, उसकी शुरुआत हुई। इसी राज्य में पहली बार एक सैनिक स्कूल बना। तो ये सब जो काम थे पिछले 4-5 सालों में, उसने कहीं ना कहीं लोगों के मूड पर या इस बात पर असर डाला है कि विकास की बातें अगर हो और वो धरातल पर भी उतरता हुआ दिखाई पड़े तो मतदाता निश्चित रूप से अपना तरीका बदलते हैं। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कई बार हुआ है कि लोकसभा सीटों पर आवश्यक बदलाव होते रहे हैं। पिछली बार किरण रिजिजू जीते थे लेकिन उसके पहले श्री रिजिजू चुनाव हार गए थे और 2004 में जीते थे। अगर ये वो जीतते हैं तो ये उनकी तीसरी विजय होगी, जबकि पिछले चुनाव में तापिर गांव चुनाव हार गए थे और वो एक बार सिर्फ 2004 में उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता था। तो राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों साथ हुए। कई बार ये बहुत से राज्यों में कहा जाता है कि दोनों के लिए मतदाता अलग अलग कारणों से वोट देते हैं, लेकिन अरुणाचल में मुझे लगता है कि उसका व्यापक असर हुआ है काम का भी। और ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री या NDA सरकार ने जो पूर्वोत्तर पर अपना ध्यान फोकस किया था उसका लाभ न सिर्फ अरुणाचल में दिख रहा है बल्कि पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में भी आप उसको देख सकते हैं। अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री हवाई अड्डे का शिलान्यास करने आए थे तो उन्होंने चाहे एक तरह से मजाक या प्रेम के अंदाज में लोगों से कहा था कि मैं सिर्फ शिलान्यास ही नहीं करता बल्कि उद्घाटन भी करता हूं, तो ये लोगों को छूती है बात, क्योंकि एक ब्रिज बॉमडिला ब्रिज जो था वो लंबे समय से लंबित था, बोगीविल ब्रिज जो था वो लंबे समय से लंबित था लेकिन उसका काम यहाँ पर पूरा हुआ और इन सब चीज़ों ने लोगों पर असर डाला है ना बम। अच्छा संजय, ये बताइए कि राज्य विधानसभा चुनाव में क्या रुझान दिख रहा है? क्या अब तक के रुझानों से हम कह सकते हैं कि भाजपा फिर राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में होगी? नाबम, आप जो कह रही हैं कि राज्य विधानसभा चुनाव के फिलहाल क्या रुझान या ट्रेंड दिख रहे हैं, तो जैसा कि अभी मैंने कहा था कि जब लोकसभा की दोनों सीटों पर एक निर्णायक बढ़त दिखाई पड़ रही है तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ विधानसभा चुनाव में भी दिख रहा है। हालांकि विधानसभा की 60 सीटें हैं और उनमें से करीब 17 विधानसभा सीटों पर बीजेपी फिलहाल बढ़त बनाए हुए है, एक सीट पर जनता दल यूनाइटेड आगे है और एक पर एक अन्य उम्मीदवार आगे चल रहा है। अगर मैं राज्य विधानसभा की बात करूँ तो अरुणाचल की विधानसभा में ये हमेशा रहा है और ये दिखता भी रहा है कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार रही है अक्सर राज्य में उसी पार्टी की ही सरकार बनती रही है, लेकिन इसकी वजह
कभी हमेशा ये नहीं रहा होगा कि राज्य विधानसभा की सारी सीटें या बहुमत की सीटें उसी पार्टी ने जीती हों। उसमें एक कारण ये भी रहा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायक जो अलग पार्टियों से जीतते रहे हैं, बाद में वो किसी एक दल के साथ किसी एक पार्टी में आ गए और उस पार्टी में ज़्यादातर विधायक चले आए जिस पार्टी की केंद्र में सरकार रही हो। इस वजह से कई बार लोग यहाँ कहते भी हैं कि यहाँ पर विचारधारा के आधार पर मत उतना नहीं दिया जाता जितना लोग व्यक्तिगत आधार पे देते हैं या कम्युनिटी बेस्ड। एक एफिलिएशन है अरुणाचल में, एक परंपरा है, अपने समुदाय से बहुत निकट का संबंध है, तो शायद उससे प्रभावित होकर वोट देते रहें। लेकिन इस बार का चुनाव कई मामलों में खास है। एक तो खास इसलिए है कि पिछली बार कांग्रेस ने 40 से ज़्यादा सीटें जीती थी, इस बार कांग्रेस ने सिर्फ 46 या 47 उम्मीदवार अपने मैदान में उतारे हैं। बीजेपी ने सभी 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी भी चुनाव मैदान में 30 उम्मीदवारों के साथ है। लेकिन हम बीजेपी और कांग्रेस की ही बात करें अगर, तो बीजेपी के 3 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। अरुणाचल में ये भी एक बड़ा ट्रेंड रहा है कि कई बार उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। पिछली बार लगभग 1 दर्जन उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, लेकिन इस बार सिर्फ 3 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मैं अरुणाचल के राजनीतिक घटनाक्रम पर टिप्पणी करूं इससे पहले ये भी बता दूं कि जैसे कई महत्वपूर्ण बातें हुई हैं इस बार हो रही हैं, जिनमें मुक्तो विधानसभा क्षेत्र है तवांग का, जो कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू जहां से उम्मीदवार हैं, वो सीट ऐसी थी जो पिछले 2 दशकों से खांडू परिवार में उनके पिताजी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो चुनाव लड़ते थे लेकिन अनअपोज्ड होते थे। पिछली बार मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी अनअपोज्ड हुए थे, लेकिन इस बार उन्हें भी चुनाव मैदान में उतरना पड़ा है और कांग्रेस के उम्मीदवार से सामना हो रहा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अनअपोज्ड उम्मीदवारों की संख्या घटकर 3 हो गई है, फिर भी भाजपा जो है इस बार 17 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो नाबम आप देख सकती हैं कि एक कठिन लड़ाई दिख रही थी कि हर सीट पर मुकाबला दिख रहा है, लेकिन बीजेपी इस लड़ाई में अपनी बढ़त बनाए हुए है। तो इसका मतलब कि लोकसभा चुनाव में जो लोगों का मूड था वो विधानसभा चुनाव में भी उतरता हुआ दिख रहा है। दूसरा, विधानसभा चुनाव में अगर आप कहें कि राज्य सरकार के कामों का भी असर पड़ता है, तो निश्चित रूप से पिछले 2.5 वर्षों में जब से पेमा खांडू सरकार आई थी, तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो एक बेहतर तालमेल है, उस बेहतर तालमेल का भी फायदा कहीं ना कहीं राजनीतिक दल को मिल रहा है और बीजेपी को मिल रहा है। क्योंकि कई बार ये दिक्कतें रही हैं कि केंद्र में अगर कोई दूसरी सरकार हो और राज्य सरकार किसी दूसरे दल की हो तो एक तरह की टसल होती है। कई बार छिपे तौर पे नबम, जैसा आप जानती हैं कि आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, राज्य सरकार कई मामलों में जब फेल्योर होता है तो केंद्र पर आरोप लगाती है और केंद्र सरकार राज्य पर आरोप लगाती है। तो इस तरह का यहाँ मामला नहीं था और कई योजनाएँ यहाँ पर अगर धरातल पर उतरी हैं, जैसे फील्ड में हम लोग जाते थे तो केंद्र की मुद्रा योजना के लाभार्थियों से चुनाव से पहले मुलाकात हुई थी, तो दिखाई पड़ा था कि बहुत छोटे छोटे व्यापारियों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि हमको जो है इस योजना से एक सीधा लाभ पहुंचा है और उसका फायदा हुआ है। आयुष्मान भारत और अरुणाचल के मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री आरोग्य योजना, उसने भी एक अच्छा काम किया है। तो ग्राउंड लेवल पर जो काम जब होते हैं तो निश्चित रूप से मतदाताओं को प्रभावित करते हैं और ये शायद पहली बार लंबे समय के बाद होगा कि एक राजनीतिक दल जो खुद से चुनाव में उतरा है इस विश्वास को लेकर कि हम अपने बल पर एक सरकार बनाएंगे, भाजपा उस दिशा में फिलहाल जाती हुई दिखाई पड़ रही है। नाबम, धन्यवाद संजय जी। हमें लगता है कि 4 बजे तक लोकसभा और राज्य विधानसभा के रुझानों की कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी, फिर हम आपके पास ताज़ा जानकारी के लिए फिर जुड़ेंगे। अरुणाचल समाचार इस विशेष समाचार बुलेटिन जनादेश 2019 के अगले बुलेटिन में हम 4 बजे आम चुनावों की ताज़ा स्थिति के साथ साथ राज्य में हो रहे विधानसभा चुनावों के ताज़ा रुझानों और परिणामों से आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।